रूह कपा देगा द केरल स्टोरी का ट्रेलर, 32,000 महिलाओं को आईएसआईएस ने बनाया कैदी। द केरल स्टोरी फिल्म के 2 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर ने फैंस को हिलाकर रख दिया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू महिलाओं और क्रिश्चियन महिलाओं को लव जिहाद के नाम पर भड़काया गया और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इसके बाद ये महिलाएं कैसे आईएसआईएस की आतंकी बन गईं, यही कहानी है द केरल स्टोरी की। इस फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर तहलका मच रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर इतना ज्यादा धमाकेदार है कि जिसके एक फ्रेम से भी आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। एक एक सीन और एक एक डायलॉग फिल्म में इतना ज्यादा असरदार है कि वो आपकी रूह को कपा देगा। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदू महिलाओं को गुमराह किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और ये यकीन दिलाया गया कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं होता है और ना ही उनसे कोई छेड़छाड़ करता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि महिलाएं जैसे ही धर्म परिवर्तन कर लेती हैं तो उन्हें किस तरह से आईएसआईएस आतंकियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद महिलाओं पर अत्याचार, उनके साथ दरिंदगी की कहानी को ट्रेलर में इस तरीके से दिखाया गया है कि वो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। द केरल स्टोरी फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म में अदा शर्मा शालिनी उन्नी कृष्णन के रोल में है जो धर्म परिवर्तन कर फातिमा बन जाती है। इसके अलावा फिल्म में योगिता बिहानी, सोनिया बानी और सिद्धि इदनानी भी हैं। फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है जबकि प्रोड्यूसर विपुल अमृत लाल साह हैं। हालांकि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इसके बैन की मांग भी शुरू हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे दी कश्मीर फाइल्स को लेकर हुई थी।